हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मसाला नमक पारे कैसे बनाते हैं, वो भी घर पे। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनने में काफी कम टाइम में बन जाता है, और ये देखिए बहुत ही कम चीजों से भी बनता है ये। मैं शुरू करती हूँ। मैंने एक परात ले ली है, इसमें मैं ये मैदा ले रही हूँ, दो कटोरी मैदा लूंगी मैं इसमें भर भर के। ये देखिए अजवाइन डालूंगी, ये अजवाइन जरूर डालें, वैसे हाथ से थोड़ा मसल के डालें ऐसे इस तरीके से। नमक पारे अगर बना रहे हैं घर पे तो अजवाइन डालना तो बहुत जरूरी है, टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है और हाजमे के लिए भी। ये देखिए मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है और इसमें नमक डाल, नमक भी कम ही डालें क्योंकि बाद में भी हमको फिर से मसाला जब तैयार करते हैं तो डालना ही पड़ता है, तो नमक भी कम ही डालें इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तेल इसलिए इसमें डालते हैं क्योंकि नमक पारे जो है वो खस्ता बनाने के लिए इसमें तेल का यूज होता है। ये देखिए दोस्तों, घर में बाजार जैसे खस्ता नमक पारे बनते हैं, आप मेरी ये रेसिपी को फॉलो कीजिए, ऐसे एकदम बाजार जैसे बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको, मैं थोड़ा और तेल डालूंगी मैं। ये देखिए बस हो गया, अच्छे से इसको पहले मिला लेते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हाथ में ऐसे बच जा रहा है। ये आप तेल की जगह भी घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, आटा ज्यादा गीला नहीं करना है, ये मतलब ज्यादा टाइट भी नहीं, जैसे पूरी के लिए बनाते हैं ना उससे थोड़ा और टाइट। ये जो नमक पारे हैं इनको आप बना दीजिए, एक महीने तक स्टोर करके रख दीजिए एक बंद डिब्बे में, और आप कभी भी खाइए इसको, भी खाने में तो स्वादिष्ट होंगे ही, दिखने में भी अच्छे दिखेंगे। ये देखिए मेरा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, एकदम गीला भी नहीं है, एकदम टाइट भी नहीं है, आधे घंटे के लिए। अब इसको मैं इसको ढक के रख दूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसको आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी ऐसे लोइयां बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बना दी है तीन, अब हम इसको बेलेंगे। पतला भी नहीं करना है, ये सारे साइड से अच्छे से कर लेना है। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने, ये देखिए एक नई ट्रिक से कि इसको कैसे कट करना है। ये देखिए ये बोतल का ढक्कन ले लीजिए आप कोई सा भी, इससे इसको काजू शेप में काटना है इस तरीके से। देखिए इसको ऐसे रख के इसके नीचे से ऐसे दबा देना है, ये ऐसे करके नीचे को ऐसे ऐसे ढक्कन रखा, नीचे को ऐसे दबा दिया इसको, ये ऐसे इसी तरीके से ऐसे दूसरी लाइन में भी बनाएंगे। जो भी चिपक रहे ना बाद में तेल में रखने से हो जाते हैं सब अलग अलग, बाद में जब तेल में फ्राई करते हो ना इनको तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं। एक और लाइन बना लेंगे। दिख रहे ना अच्छे एकदम काजू शेप में। अब हमने गैस में कढ़ाई में तेल रख दिया है, अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया कि नहीं हो गया हम चेक करेंगे पहले एक डाल के। ये देखिए तेल हो गया है, हमने इसी तरीके से ये एकदम ज्यादा भी नहीं गर्म करना है हमको, ऐसी और गैस का फ्लेम मीडियम कर दें नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए तरह होने लगे हो गई है, ये देखिए ये देखिए। ये वाले भी होने वाले हैं, इनको भी निकालेंगे अब हम। इसी तरीके से हम सारे जो नमक पारे हैं उनको तल लेंगे, याद रखें इनको खुल के आज पे ही पकाएं। ये भी हो चुके हैं, कितने कलर कितना प्यारा लग रहा है इनका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इसको गर्मा गर्म तेल से बाहर निकालें उसके बाद उसमें तुरंत ही आप मसाला मिला लें।
हमारे बन चुके हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है चाट मसाला, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। मैंने नमक पहले भी डाला था तो नमक कम ही डालूंगी मैं। थोड़ा सा इसमें अपने स्वाद अनुसार मैं मिर्ची डालूंगी। ये देखिए ज़्यादा तो नहीं डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके जो है सारों में ये मिक्स हो चुका है, सारे नमक पारों में। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है इनका कलर, कि कितने चटपटे हो रहे होंगे ये। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खस्ते हो रहे हैं। ये देखिए कैसे टूट रहे हैं, एकदम खस्ता हो रखा है ये। तो आप जरूर ट्राई करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।